चलो गाइस बनाते हैं सिंधी वाली कढ़ी। सिर्फ 15 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले करो क्या, 7-8 ना भिंडी कट करके रख लो। उसके बाद हमें एक लेना है बर्तन, उसमें डालना है तेल। उसके बाद हमें इसमें डालना है मेथी के दाने, जीरा और जी भाई हींग। और जी हाँ, हींग थोड़ी ना ज्यादा डाल देना। और फिर मैंने ना आधी प्याज ली है, और जी आधी प्याज को ना मैंने हाफ मून की शेप में कट किया है, जैसे अदिति रॉय बोलती है। खैर इसे थोड़ा चलाना है, जब ये हल्की सी ना ब्राउनिश टाइप हो जाए, बहुत हल्की सी मतलब पिंकिश नॉट ब्राउनिश, तो इसमें डाल दो अपनी भिंडी। आप थोड़े से मसाले डालने हैं, इसमें डालनी है आपको हल्दी, नमक और जी भाई जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सबको अच्छे से मिला करना है। थोड़ी देर ना कुक करना है कि जो भिंडी है ना वो कच्ची ना रहे, बस ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने देखो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और इसे अच्छे से मिलाया कि थोड़ी देर ना मेरी भिंडी कुक हो जाए। तो अब सुनो, अगर आपके पास मट्ठा है तो मट्ठा ले लो, अगर मट्ठा नहीं है तो आप दही में थोड़ा पानी डालो। तो मैंने ये ना 2 कप बनाया है। और जी एक चीज़ और जब आप मट्ठा या फिर दही डालो तो गैस बिल्कुल लो कर दो, और जब हल्का सा मट्ठा गर्म हो जाए तो गैस बंद कर दो। लो जी बन गई आपकी सिंधी कढ़ी गर्म गर्म चावल के साथ। खाओ के बाय।